रजनीता इस गैलेक्सी फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 2 जनवरी, यानी इस साल का दूसरा दिन, और हमारी दूसरी दिन शुरू हुई है मम्मी के यहाँ से, यानी मेरे मायके से। कल रात को हम लोग यहीं पे थे, घर नहीं गए थे, और सुमन जी बिल्कुल तैयार है घर जाने के लिए। दिखाती हूँ, रुकिए एक सेकेंड। ये रही हमारी नए साल की नई वाली कॉफ़ी, जो कि एवरीडे से बनी हुई है, एवरीडे डेयरी व्हाइटनर से बनी हुई है। और ये रहा मेरा पति, गुड मॉर्निंग, जो कि घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी होके बैठा हुआ है। काम पर भी इनको जाना है, आज मंडे है। और ये है बाहर का नज़ारा। मम्मी का ये अपार्टमेंट जो है, तो ये 4th फ्लोर में है, आप लोगों को पता है, पहले भी आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ से इस तरह से बड़ी एक विंडो है और सामने बेड है, तो विंडो के सामने बैठकर बाहर का नज़ारा दिख रहा है बहुत ही अच्छा, और इसका आनंद हम लोग ले सकते हैं यहीं से। दिस इज़ द व्यू। एंड गाइस, अभी सुमन जी चले गए हैं घर, और उनको थोड़ा काम भी है, और लड्डू गोपाल अभी सो रहे हैं, इनको उठाया नहीं है मैंने, थोड़ी देर में उठाकर पूजा कर लूँगी। ये है हमारा सुबह सुबह का यम्मी ब्रेकफास्ट, जो कि मम्मी के यहाँ पे आके ले रही हूँ, और मम्मी ने बना दिया है। तो इट फील्स लाइक हेवन, क्योंकि अच्छा खाना जो है, ये इतना मुझे अच्छा लगता है कि अच्छे खाने के साथ मैं खुश रह सकती हूँ। पूरी दुनिया एक तरफ है, अच्छी खाने और अच्छी क्विजेंस दूसरी तरफ है। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश रहने का एक जरिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा खाना खाना। आइदर इट लीड्स टू वेट गेन और वेट लॉस, डजेंट मैटर, क्योंकि जब मैं कुछ हेवी खाती हूँ तो मुझे डिटॉक्स करना भी आता है, तो मैं इमीडिएटली जो डिटॉक्स है उसको कर भी लेती हूँ नींबू पानी के साथ। लेकिन खाना हमेशा अच्छा होना चाहिए। ये मतलब रिच है या लाइट है मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ, पौष्टिक खाना होना चाहिए, और खाने में अच्छा टेस्ट मैंडेटरी है मेरे लिए। कंटिन्यूइंग टू द व्लॉग, कल से व्लॉग कंटिन्यू हो रही है, और कल तो संडे थी, तो इसलिए कल का जो कार्यक्रम है, मैंने थोड़ा बहुत कल का प्रोग्राम, सुमन जी चले जा रहे थे सुबह, तब तक का शेयर किया। उसके बाद शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि इतना कुछ प्रोडक्टिव मैंने कल किया नहीं था। कल का दिन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं बेकार का, फालतू सा, लेजी सा संडे गया। और आज है मंडे, तो आज कुछ काम मैं कर रही थी दोपहर में, और उसके बाद अभी काम से फ्री होकर मैं आ गई हूँ आप लोगों के फेवरेट स्पॉट पे, यानी लड्डू गोपाल की सेवा में। तो लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए जो लोग पूछ रहे थे 1 जनवरी को इंस्टा पेज में और मैसेंजर पेज में, तो उनको दर्शन करवा देती हूँ। और फिर से बोल रही हूँ कि जिन लोगों को दान दक्षिणा देने की इच्छा है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे से पहले अपना नाम और गोत्र जो है वो मुझे मैसेज करें मेरे इनबॉक्स में, मैसेंजर के इनबॉक्स में, फेसबुक मैसेंजर के इनबॉक्स में, या फिर यूट्यूब कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम और गोत्र मैसेज करें। उसके बाद दान दक्षिणा जो देनी है उसका अकाउंट नंबर अलग से मैं आपके साथ ही सिर्फ शेयर करूंगी। और ये रहे आप लोगों के सबके फेवरेट लक्ष्मी माता और लड्डू गोपाल जी, जो कि मेरे यहाँ नहीं, मम्मी के यहाँ विराजमान है पिछले 2 दिनों से, और मैं यहाँ आई हुई हूँ, इसलिए इनकी थोड़ी अलग तरह से सेवा हो रही है। सेवा तो मैं निरंतर करती रहती हूँ, लेकिन जब थोड़ी सी स्थान परिवर्तन हो जाती है, अपने घर से ये यहाँ पर आते हैं मम्मी, मेरे मम्मी के घर पे, तो इनकी सेवा में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यानी कि जिस तरह से मैं सेवा करती हूँ घर में, उस तरह से नहीं, बट थोड़ी सी अलग तरह की सेवा होती है। जैसे फल वगैरह इनके पास हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं हमारे घर में, तो कभी कभार फल नहीं मिलते इनको, लेकिन हाँ, जैसे मैं सेवा करती हूँ इनकी, तो इसी तरह से कोशिश कर रही हूँ निरंतर सेवा करने की। और शीत वस्त्र के बारे में जिन्होंने पूछा था कि ये लड्डू गोपाल की और माँ लक्ष्मी के शीत वस्त्र कहाँ पे मिलते हैं,
तो ये शीत वस्त्रों के लिए जो ऑनलाइन साइट है मैं शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कीजिएगा आप लोग। और इनके लिए पहली बात है, मैं सबसे पहले क्या करती थी, ये घर वाला जो पुरानी माँ लक्ष्मी जिनको मैंने स्थापित किया था परमानेंटली 4 साल पूजा करने के बाद, तो इनके शीत वस्त्र मैंने अपने हाथों से बनाए थे। ये देखिए वुलन है, तो जिस तरह से पुराने दिनों में कांटे से बनाया जाता था वूल के स्वेटर और सारे ऊली वस्त्र जैसे बनाए जाते थे, तो इनको मैंने बिना था अपने हाथों से और बिनकर जो है तैयार किया था। लड्डू गोपाल का ये स्कार्फ जो है ये भी मैंने अपने हाथों से तैयार किया था, लेकिन अभी जो माँ लक्ष्मी की आप लोग ये चादर देख रहे हो, शॉल देख रहे हो, तो इसको मैंने परचेस किया था यहाँ के दुर्गापुर लोकल स्टोर से। और इसको अगर ऑनलाइन जो लोग मार्केट वगैरह जा नहीं पाते हैं तो मंगवाना चाहते हैं तो वो कौन से साइट से मंगवाइएगा, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी आज के व्लॉग में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा थोड़ा सा। ये सारी जो पिछले व्लॉग में मैंने 31 दिसंबर की व्लॉग में शेयर की थी माँ लक्ष्मी की सारी जो पहना रही थी मैं, जिस दिन मैं बहुत से टाइम घर पे अकेली थी, उसके बाद सुमन जी आए थे शाम को, तो ये सारी के बारे में जो क्वेश्चंस आप लोगों के क्वेरीज है तो मैं बता दूँ इसी व्लॉग में कि ये बनारसी लुक की साड़ी नहीं है, ये दुपट्टा है। इसको मैंने लिया था लेकिन यूज बिल्कुल भी नहीं किया था, तो ये बनारसी लुक का दुपट्टा है, रेड कलर में जरी वर्क किया हुआ। तो ये दुपट्टा जो है, दुपट्टा से मुझे ख्याल आया कि ये ऐसे ही रखा हुआ है और मेरी समझ में उतना आ नहीं रहा था कि इसको कैसे यूज करें। बेसिकली मैं अपने साड़ियों की जो ब्लाउज की पीसेस होती है बनारसी की या किसी भी साड़ी की जो अच्छी लुक वाली साड़ी है कॉस्टली, तो उन सारी साड़ियों की ब्लाउज पीस मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ, ज्यादातर मैं पीस को अलग करके इनकी साड़ी बना देती हूँ। तो ये दुपट्टा है बनारसी दुपट्टा और इसी से इनकी साड़ी उस दिन बन रही थी। एक्चुअली साड़ी जब बनाती हूँ मैं तो आप ही लोगों ने मेरी साड़ी माँ लक्ष्मी की साड़ी को देखकर कहा था कि आपकी जो पहनाने की जो विधि है वो बिल्कुल निपुण विधि है, तो इस इनको अगर निपुण विधि से बिल्कुल सटीक एकदम तरह से साड़ी पहनानी है तो एक दिन का टाइम बहुत, मतलब 4-5 घंटे आपको लगेंगे बहुत अच्छी तरह से पहनाते हुए। और मेरे पास उस दिन 31 दिसंबर को उतना टाइम तो था नहीं और मुझे नॉनवेज भी बनानी थी, इसलिए शाम शाम को जल्दी से मैंने जितना बन पड़ा मुझसे मैंने किया और उसके बाद मैं चली गई। अच्छा, उसके बाद आ गया था 1 जनवरी का, 1 जनवरी मम्मी के यहाँ आके घूम फिर के फिर शाम को हम लोग आए, तो उस दिन हो नहीं पाया था। और कल थोड़ा सा मैंने किया था, आज इसको कर दूंगी मैं कंप्लीट। श्री कृष्ण चैतन्य अवतार खेले बार प्रभु कोई खोल करताल। गाइस मैं आ गई हूँ मम्मी के किचन में बनाने के लिए मशरूम, और ये रही मशरूम, और मशरूम मसाला बनेगा इसलिए अच्छे से मशरूम को भुना जा रहा है। और ये रहा आज का पौष्टिक डिनर जिसमें रोटी और चावल दोनों ही हैं, बैंगन की भाजी है, मूंग की दाल है, सोयाबीन है जो कि हाई प्रोटीन फूड है, और अंडे है, अंडे की करी है। और अभी प्रोटीन रिच खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है। गाइज मैं आ चुकी हूँ अपने घर और आज सुबह मैं 9 बजे यहाँ पर आई हूँ अपने घर पे, और 1 तारीख को मैं गई थी मम्मी के वहाँ और आज मैं आई हूँ 4 तारीख को, यानी 3 दिन रहने के बाद मैं यहाँ आई हूँ। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ खात्मा यानी द एंड। मिलूंगी अगले ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, खुश रहिए अपने हॉबीज के साथ।